कि स्कूल विल रिओपन और नॉट, स्कूल को रिओपन किया जाए या नहीं किया जाए, अब इस पे डिबेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनसाइड द विधानसभा, तो सम एमएलए में भी इन फेवर और सम में भी अगेंस्ट। कुछ एमएलए चाहेंगे कि स्कूल खुल जाए और कुछ चाहेंगे नहीं खुले। यस, अब जो चाहेंगे कि स्कूल विल रिओपन आफ्टर कोविड-19, तो वो अपने रीजन्स किसमें देंगे? फेवर। और जो नहीं चाहते वो अगेंस्ट, वो अगेंस्ट अगेंस्ट में अपने रीजन देंगे। तो फेवर में क्या रीजन देंगे? जो स्कूल रीओपन चाहते हैं कि स्टूडेंट का ऑनलाइन से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, उनके आंखों पे उसका नेगेटिव इम्पेक्ट आ रहा है, एक बच्चा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ कंटिन्यू बैठ रहा है, तो लाइक दिस दे विल गिव द आर्गुमेंट इन फेवर। ओके, इन चीजों से स्कूल ओपन। अब जो नहीं चाहते वो क्या देंगे? वो ये कहेंगे कि कोविड-19 पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, 98,000 पर डे पेशेंट आ रहे हैं, बच्चों को रिस्क है, अभी तक ये बच्चों में जो वायरल है वो स्प्रेड नहीं हुआ है कोविड, तो इसको बच्चों को हम अभी रोक सकते हैं, स्कूल ओपन नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप से कोई भी इशू होता है जो विधानसभा में डिस्कस होता है उस पर एक डिबेट होती है, तो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है जो रूल कर रही है, और अपोजिशन जो अपोजिशन में बैठे जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैकग्राउंड से वॉइस आ रही, तो दोस एमएलएस वो आर नॉट पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। अभी जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूल रिओपन हो जाए, अपोजिशन वाले नहीं चाहते, तो वो एक डिबेट होती है। जैसे क्लास में डिबेट होती है ना आपके, कि ये टॉपिक है और स्टार्ट द डिबेट, तो कुछ बच्चे फेवर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में। तो ऐसे विधानसभा एक टाइप का एनवायरमेंट है, वहां पे वो स्टेट से रिलेटेड नॉर्म्स बनाते हैं, स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, यस, इनसाइड विधानसभा होगी तो कुछ उस पर क्वेश्चनिंग बेस करेंगे। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा आज एक डिबेट का विधानसभा का। ओके, तो वहां पे क्वेश्चनिंग होती है और उन क्वेश्चंस के अंदर फाइनल जो डिसीजन निकल के सामने आता है वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि स्कूल विल रिओपन और नॉट। अगर रिओपन किया जाएगा तो व्हाट विल बी टर्म एंड कंडीशन, कैसे होने चाहिए कि स्कूल को सैनिटाइज किया जाए, स्कूल के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस रखा जाए, और बच्चों को जो कॉल किया जाएगा तो एक बच्चा दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज नहीं हो, मिले नहीं, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो इन दिस मैनर्स डिबेट आर हेल्ड, इस तरह से डिबेट होती है विधानसभा में। तो आपके जो डिबेट दी गई है इट इज रिलेटेड टू द वाटर शॉर्टेज, वो एक वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड डिबेट दी गई है, उस डिबेट को देख के आप लगा सकते हो। अब एक चीज है, अगर सपोज एनीवन बिलोंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो रूल कर रही है उसको रूलिंग बोलते हैं। अभी राजस्थान में रूलिंग पार्टी कौन सी है? विच पार्टी इज रूलिंग? कांग्रेस। कांग्रेस। अब सपोज सीएम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द कांग्रेस स्कूल विल रीओपन, तो बाकी एमएलए उनको सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट में बोलेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे आपकी बुक में जो कुछ डिबेट दे रखी है उस डिबेट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला एमएलए रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है और ये वाला अपोजिशन से करता है। तो इन योर बुक डायग्राम इज गिवन और नॉट, दे रखा है पेज नंबर? यस सर, इट गिवन ना बेटा। तो आपको ये जो 6 एमएलए, यस सर, इन 6 एमएलए के जो कन्वर्सेशन है डिबेट से वो आपको स्टडी करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एमएलए अपोजिशन से और कौन सा रूलिंग पार्टी से,
कल मैं आपको असाइनमेंट में ये सब चीजें पूछूंगा, कल मैं टेस्ट लूंगा आपकी क्लास का। तो इन दिस पैनल दे कंडक्ट द डिबेट। अब फाइनल डिसीजन क्या आया? अब सपोज जैसे स्कूल विल रीओपन और नॉट, ये डिसीजन कौन लेंगे? विल टेक द डिसीजन रूलिंग हेड। अब रूलिंग पार्टी में भी तो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, मैंने कल आपको नहीं बताया था डिपार्टमेंट? तो विच डिपार्टमेंट विल टेक द एक्शन? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर। वेरी गुड बेटा, तो एजुकेशन मिनिस्टर डिसीजन लेंगे। अब एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया? ये तो पालन इसके विधानसभा में हुआ, तो इस डिसीजन को पूरे स्टेट में स्प्रेड करना चाहते हैं, मैसेज को मैसेज देना चाहते हैं पूरे स्टेट को। तो व्हाट ही विल डू, ही विल ऑर्गेनाइज द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस जानते हो? नो सर। नो सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जैसे सीएम कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, कोई वीआईपी पर्सन है, कोई यू नो मॉडल है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी है, वो कुछ करना चाहते हैं सबको, तो दे कैन कॉल द मीडिया। जो वो मीडिया को बुलाते हैं ना, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। प्रेस मतलब मीडिया, और कॉन्फ्रेंस करना बात करना, कॉन्फ्रेंस करते ना एक दूसरे से। जैसे मैं आपसे कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ किसके थ्रू? जूम के थ्रू। मैं जूम पे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो कॉन्फ्रेंस ही तो चल रहा है टीचिंग के थ्रू। तो एजुकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? एजुकेशन मिनिस्टर, और सब मीडिया वालों को बताएंगे। तो मीडिया से न्यूज कहाँ जाएगी? न्यूज चैनल तक। न्यूज चैनल से कहाँ तक जाएगी? पब्लिक तक। पब्लिक से कहाँ तक जाएगी? बच्चों तक। अब ये तो चली गई प्रैक्टिकल, नो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक नहीं हुआ। अब जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, इट इज द प्रेट बोल दिया मैंने, ये ऑथेंटिक कब होगा? जब मैं आपको दे चुका हूंगा, जब आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे तब ऑथेंटिक है कि हाँ इट इज लीगल, मेरे पास पैसे आ गए, दैट इज द ऑथेंटिक। तो ये न्यूज तो चली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब इसको ऑथेंटिक कैसे बनाते हैं? लिसन, सीएम ने डिसाइड किया स्कूल विल रीओपन, एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने डिसीजन लिया। अब एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेंगे? जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जितने भी राजस्थान में एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, तो ये लेटर भेजेंगे, उसकी कॉपी भेजेंगे जो डिसीजन लिए। तो ये कॉपी किसको जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी और डीईओ। यू नो फुल फॉर्म ऑफ डीईओ? नो सर। नहीं? नो सर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो आप जानते हो? यस सर। यस सर। कलेक्टर को कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब पोस्ट को जानते हो ना? आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट। यस सर। यस सर। तो बेटा जो डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर ने लिया ना, वो किस किस डिपार्टमेंट को लेटर भेजना है उनको वो डिसाइड करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी, एक लेटर जाएगा इनका डीओ, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब डीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट ई मतलब एजुकेशन और ओ मतलब ऑफिसर। आगे समझ में? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर Yes, sir. यानी जिला शिक्षा yes, अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी यानी उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो डिसीजन लेगा
एजुकेशन जो ऑफिसर एजुकेशन उसको एक लेटर जाएगा, अब डीओ ऑफिस को लेटर जाएगा, तो डीओ ऑफिस क्या करेगा कि चित्तौड़ में जितने भी स्कूल है उन स्कूल को ये लेटर कहाँ भेजेगा, सभी स्कूल को चित्तौड़ में जितने भी स्कूल है उन सबको एक एक लेटर आएगा किसकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसमें लिखा होगा स्कूल विल बी ओपन, दिस इज द फॉर्मेलिटीज, दिस इज द नॉर्म्स, कैसे ओपन करना है, कैसे बच्चे आएंगे, कैसे क्या होगा, तो उसको स्कूल फॉलो करेगा। तो ये क्या हो गया, ऑथेंटिक प्रूफ, दिस इज नोन एज द ऑथेंटिक प्रूफ। अब मैं ऑथेंटिक प्रूफ की आपको एक कॉपी दिखाऊं, यू वांट टू सी द कॉपीज, देखना चाहते हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सीधा बेटा लिसन, आर यू एबल टू सी द कॉपीज, सेंट्रल बोर्ड, यस सर, एजुकेशन, यस सर। अब ये जो कॉपीज आई ना, यस सर, यस सर, कॉपी क्या है इसपे, यस सर, टॉपिक बताइए, क्या लिखा है, प्रेस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अब इसका टॉपिक क्या है, लिसन, ये सेंट्रल बोर्ड किसने भेजा, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई, प्रेस नोट यानी उन्होंने जो प्रेस नोट भेजा है, क्या भेजा है, रेशनल फॉर रिडक्शन फॉर टॉपिक इन क्लास 9 to 12, यानी 9 to 12 में कौन कौन से टॉपिक और चैप्टर को डिलीट किया है, क्यों, ये रीजन बताया है, और ये किन के साइन है नीचे, क्या लिखा है, सेक्रेटरी सीबीएसई, तो सीबीएसई आ गया ना समझ में, तो इस टाइप का प्रेस नोट आएगा बेटा अपने स्कूल के पास, यहां क्या लिखा होगा, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो उस लिखी कॉपी को हम फॉलो करते हैं फिर, तो ऐसे जैसे ये सीबीएसई ने भेजा ना ऐसे सभी गवर्नमेंट भेजती है, तो दिस इज द जो वहां डिबेट होती है उसका क्या रिजल्ट आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर प्रेस नोट होता है और वो फिर सब डिपार्टमेंट को जाता है। अब जैसे स्कूल से रिलेटेड डिसीजन आया, ओके, अब ये स्कूली डिपार्टमेंट में जाएगा बेटा, ऐसा थोड़ी है कि डिसीजन आया है स्कूल से रिलेटेड और हम भेज देंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, नहीं जाएगा ना, इट ओनली इट इज रिलेटेड टू ओनली कंसर्न, किसको जाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, यस। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेज नंबर 37, और ये दे रखा आपका सीधा इन योर बुक, इट इज द रिटर्न, ये वाला वर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा है, यस सर। तो बेटा इस टाइप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब इसके बेनिफिट क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि मेनी टाइम पब्लिक दे डोंट नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, बहुत सी बार मिनिस्टर को पता नहीं है प्रॉब्लम्स क्या है। अब सपोज आपके चित्तौड़ है और इन योर चित्तौड़ देयर इज द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, अब जहां तक वो बात मीडिया में नहीं आएगी, आपके एमएलए विधानसभा में नहीं बताएंगे, तो चीफ मिनिस्टर और वाटर डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि चित्तौड़ में यह प्रॉब्लम है, तब
कोई भी चीज अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो दे कंडक्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया में जाते हैं, वो मीडिया से वो न्यूज हाईलाइट हो जाती है और उस इश्यूज पे गवर्नमेंट का जो फोकस होता है और दे ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। तो ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एग्जांपल बुक में दे रखा है, डेटी रिलेटेड टू पातालपुरम एक विलेज है, वहाँ वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। तो दिस इज द वे ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये एक तरीका बताया गया है। अब बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं, मेनी टाइम दे यूज द प्रोजेक्ट वॉलपेपर पेंटिंग्स टू रेज द इश्यूज। जो लास्ट टॉपिक दे रखा है आपका, सी योर लास्ट टॉपिक, सी सम टाइम द चिल्ड्रन यूज सच पेन। अब लास्ट आता है कि अब वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को बता के, उनको सॉर्ट आउट करके। अब कभी कभी बच्चों आपने स्कूल में देखा आपके कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे आपके हुआ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप पोस्टर बनाइए चाइल्ड मैरिज पे, मेक द पोस्टर ऑन पॉल्यूशन, मेक द पोस्टर ऑन द वाटर शॉर्टेज। तो आप जब इस टाइप के पोस्टर्स बनाएंगे वाटर शॉर्टेज पे, चाइल्ड मैरिज पे, पॉल्यूशन पे, तो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन डेट इश्यूज और नॉट, गवर्नमेंट उन पे ध्यान देगी नहीं देगी, देगी ना, गवर्नमेंट सोचेगी कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, चाइल्ड मैरिज जो इतनी ज्यादा होती है राजस्थान में कैसे इसको रोका जाए। तो गवर्नमेंट विल गिव द ऑर्डर टू द ऑफिसर्स और ऑफिसर विल मेक द ऑफिसर विल इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स। तो इस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, ये आपका चैप्टर है। अब इफ यू हैव एनी डाउट यू मे बी आस्क।